Good morning, everyone. Today we are going to study some further topics related to atoms. First topic is Rutherford's model of an atom and its limitations. In previous class, we have seen how Giger and Marsden have performed an experiment taking alpha particle beam and incident in it upon a gold foil. That was alpha particle scattering experiment. So from that, Rutherford given a model of atom, which was as follows. Firstly, there are some statements. So first one is massive central core in which the entire positive charge and almost the whole mass of the atom are concentrated. This core is called nucleus. First thing is this. Second, the size of the nucleus, which is size jo लगभग नापी गई वो थी, देखिए डायमीटर की बात हो रही है, इस 10^-15 मीटर ऑर्डर की. ठीक ना, क्या नापी गई? साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10^-15 मीटर. इसी 10^-15 मीटर को ही कहा जाता है 1 फर्मी. ठीक है, क्योंकि एनरिको फर्मी जो वैज्ञानिक थे उनके नाम पे इसको यूनिट नाम दिया गया. It is very small as compared to the size of the atom, which is 10^-10 meters. So what is this? ये अगर मान लीजिए एटम है, ये ठीक है, इस एटम का डायमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये जो है ये 10^-10 मीटर ऑर्डर का होता है. जबकि बीच में जो न्यूक्लियस है इसके, जिसको रदरफोर्ड ने माना कि बीच में है, जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज सारा और सारा मास है, उसका खुद का डायमीटर ये कितना है? 10^-15 मीटर का. यानी 10^-5 मीटर का डायमीटरिक डिफरेंस है. मतलब क्या है? कितना है? 1,00,000 गुना छोटा होता है एक न्यूक्लियस एक एटम से. बहुत बहुत छोटा. ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ सूटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट देयर टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. उन्होंने कोई किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं करी. उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस जो होता है इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड रहता है. ये नहीं कहा कि कहाँ रहेगा इलेक्ट्रॉन, ये कहा कि ऑर्बिट रहेगी, लेकिन ऑर्बिट कौन सी रहेगी? ऑर्बिट ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी. एक इलेक्ट्रॉन चलते चलते यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है. इसके बारे में उन्होंने कुछ स्पेसिफिक नियम नहीं दिए. ठीक है, तो उन्होंने केवल इतना कहा कि इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड रहता है न्यूक्लियस और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे कि उस इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज न्यूक्लियस के टोटल चार्ज के बराबर और विपरीत यानी अपोजिट हो जाए. यानी ओवरऑल न्यूक्लियस हमारा कैसा, एटम हमारा कैसा हो जाए? न्यूट्रल हो जाए. यानी एक एटम के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है. उसके सराउंडिंग में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है. और ओवरऑल इतना चार्ज है कि एटम न्यूट्रल है. ठीक है, अब उन्होंने एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अबाउट कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स, नहीं कुछ वेरियस ऑर्बिट्स में, मतलब सर्टेन वर्ड बोलना गड़बड़ है क्योंकि ये बात तो जब हम आगे पढ़ रहे होंगे बोर्स थ्योरी तब वहाँ पढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कुछ ऑर्बिट्स में रोटेट करते रहते हैं न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में. ठीक है, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बोला कि जैसे पृथ्वी या अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं,
ठीक है, कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स हैं उसमें, और एक जैसे लगातार इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए न्यूक्लियस के अबाउट चक्कर लगा रहा है। तो देखो यहाँ पे ये जो आपको पता है कि घूमने चक्कर लगाने के लिए किसी बॉडी के अबाउट दूसरी बॉडी अगर मूव कर रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन दे रहा है सर्कुलर पाथ के लिए। तो इस केस में चूंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव निगेटिवली चार्ज्ड हैं, ठीक है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होगा। ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा यानी कूलाम्बिक फोर्स जो होगा वही रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होगा जिससे कि ये सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम सकें। अब लेकिन वहाँ पे उन्होंने गलती क्या की, उनकी समस्या क्या थी उनकी थ्योरी में, इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए वेरियस ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखेंगे कि रदरफोल्ड के इस मॉडल की खामियां क्या थी या कमियां क्या थी, या कह लें कि लिमिटेशंस क्या थी। तो लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, लिमिटेशंस, ठीक है, तो लिमिटेशंस की देखिए कुछ एक ऐसी चीजें थी जो ये एक्सप्लेन नहीं कर सका या फिर गलत एक्सप्लेनेशन हुआ। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे, कोई भी बॉडी अगर इस तरह से किसी दूसरी बॉडी के अबाउट चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि एक समय के बाद जब उसकी एनर्जी कंज्यूम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन की जिसके कारण ये चक्कर लगा रही है, तो इनके बीच में चूंकि एनर्जी कम होती जाएगी तो इसकी ये जो ऑर्बिटल रेडियस है कि मान लीजिए किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, वो चक्कर लगाते लगाते उसकी जब एनर्जी कंज्यूम होगी तो वो धीरे 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 यहाँ पे जाएगा पास में, और इसकी रेडियस सर्कुलर ऑर्बिट की कम होती चली जाएगी और अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स कर जाएगा और एटम गायब हो जाएगा, एटम अपने निश्चित फॉर्म में नहीं रह पाएगा यानी स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो यानी पहली चीज क्या बताई, रदरफोर्ड्स मॉडल मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर, द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम, ठीक है। सेकंड, अब आप ये सोचिए कि कोई भी लाइट वेव या फिर कोई भी स्पेक्ट्रम, लाइट का स्पेक्ट्रम जरूरी नहीं है कि वो लाइट हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसे निकलता था, मतलब जब उसका हमने कह ले कि स्पेक्ट्रम उसका ट्रेस करना चाहा किसी एटम का, स्पेक्ट्रम ऐसे बनता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है। तो देखिए सबसे पहली चीज समझने वाली क्या है कि हर ऑर्बिट जो जितनी दूरी पे टहल रहा है उस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एक स्पेसिफिक एनर्जी है जिसके कारण वो उस पर्टिकुलर रेडियस को अटेन करते हुए ऐसे चक्कर काट रहा है। अब अगर वो थोड़ा सा करीब आता है तो उसकी एनर्जी कुछ कम है लेकिन वो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, और करीब आती है तो इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन के पास अपनी खुद की एनर्जी कुछ कम है। तो हर पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यानी रेडियस पे रहने के लिए इलेक्ट्रॉन को सर्टेन एनर्जी चाहिए रहती है। ज़्यादा डिस्टेंस पे है यानी ज़्यादा एनर्जी है, कम डिस्टेंस पे है यानी कम एनर्जी है। इसका मतलब जब ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ ऐसे अगर रदरफोर्ड की बात माने तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे लगातार अपनी एनर्जी लूज करते जाएंगे और पास आते जाएंगे, ठीक है, और पास आते आते अल्टीमेटली न्यूक्लियस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो स्टेबल नहीं रह सकता, दूसरी चीज़ कि जब वो पास आ रहे होंगे तो लगातार वो करीब होते जा रहे हैं यानी लगातार रेडियस कम होती जा रही है, स्पाइरल टाइप का बन रहा है, ठीक है,
और लगातार एनर्जी कम हो रही है, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में निकल रही है? स्पेक्ट्रम के फॉर्म में बाहर आ रही है। अब चूंकि कंटिन्यूसली एनर्जी निकल रही है, तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम वुड एमिट कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्योंकि कंटिन्यूअसली एनर्जी लूज करेगी तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी निकलेगा, स्पेक्ट्रम निकलना चाहिए। लेकिन ऑब्जर्वेशन जो की गई, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू ये पाया गया कि ये एक लाइन स्पेक्ट्रम था। ऑब्जर्वेशंस क्या थी, कैसा स्पेक्ट्रम था? लाइन स्पेक्ट्रम था। अब ये क्या चीज होती है लाइन स्पेक्ट्रम? मान लीजिए अगर हम किसी एटम से निकलने वाली स्पेक्ट्रम को ट्रेस करें, एक तो हो गया इस तरह का कि मतलब लगातार खूब सारे कलर कंटिन्यूअसली ऐसे निकले हैं, तो जैसे जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे कलर से मिलके बना है, ये इधर से शुरू होता है और इधर को ख़त्म होता है, इस बीच में पहले हाई एनर्जी यानी लो वेवलेंथ, यानी ब्लू, ठीक है ना, फिर ब्लू से फिर ये बीच में कहीं ग्रीन होगा, येलो होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर रेड हो जाएगा, जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी। तो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का निकलना, यानी स्क्रीन पे ट्रेस किया जाता है एक एटम से निकलने वाली स्पेक्ट्रम को या एनर्जी को या लाइट को कह लें, तो पाते हैं कि स्पेक्ट्रम में हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है लाइन से कई सारे कलर्स का, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लू और वायलेट टू रेड। क्यों? क्योंकि वायलेट की एनर्जी सबसे कम, सबसे ज़्यादा, और रेड की एनर्जी सबसे कम, ठीक है। अब देखिए, लेकिन जो एक्चुअली ऑब्जर्व था उसमें यह पाया गया कि लाइन स्पेक्ट्रा मिला। लाइन स्पेक्ट्रा मतलब पहले कुछ कह लें कि वायलेट लाइट्स मिली, ऐसे स्पेक्ट्रम लाइंस बनी हुई थी और बीच बीच में गैप था, ठीक है ना। उसके बाद आ गया ग्रीन, फिर येलो, फिर इस तरह के लाइंस बन रही थी इक्वली डिस्टेंस स्पेस्ड, ठीक है। और घटते घटते लास्ट की लाइन जो होगी वो एक डिस्क्रीट लाइन होगी, लेकिन रेड कलर की, ठीक है। यानी इसका स्पेक्ट्रम जो किसी भी एटम का आता है वो एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा आता है, जिसमें कंटिन्यूटी नहीं है, बीच बीच में खाली भी है। इसका मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं, तो असल में वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आने पे ही एनर्जी रिलीज करते हैं, और कंटिन्यूस नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक ऑर्बिट ये है तो वो यहाँ से बीच में कोई ऑर्बिट पे नहीं आएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे। एक ऑर्डर बना हुआ है कि इस ऑर्बिट से सीधे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो इस ऑर्बिट में आएगा। बीच की ऑर्बिट ये क्या है? ये फॉरबिडन है, है ना। होना तो चाहिए था लेकिन नहीं है। यानी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित एनर्जी ही अटेन कर सकता है। मान लीजिए मैंने कहा कि 543 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऐसा नहीं है कि 4.9, 4.8, 4.7, नहीं, नेक्स्ट वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अटेन करेगा। यानी यहाँ से उसी ऑर्बिट में कूदेगा जिसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, बीच वाले सारे गायब। इसीलिए बीच वाला क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक गैप आ गया, कोई लाइट नहीं मिली, ठीक है। अगली एनर्जी उसके पास 4 है, तो यानी अगला वो कहाँ आने वाला है, हो सकता है 3.5 हो, तो अगली 3.5 पे आएगा। यानी 3.5 माइनस 4 कितना हुआ, 0.5 का डिफरेंस है, तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिलेटेड एनर्जी ही वो निकालेगा, और उसी के लिए एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा ये मिल गया। तो इस तरह से कुछ अलाउड एनर्जी लेवल्स थे, केवल उसी पे जंप करता हुआ होता तभी लाइन स्पेक्ट्रा बनता, वरना रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बनना चाहिए था, तो ऐसा तो था नहीं। तो ये सारी लिमिटेशंस थी। अब हम बात आते हैं कि इस सब चीज़ का समाधान कैसे हुआ। इसके लिए हमें पढ़ना है बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन या बोर्स क्वांटाइजेशन थ्योरी, ठीक है।
सो व्हाट वाज बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन? नील बोर्स ने सबसे पहले कहा कि देखिए, ये जो न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये बीच में न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना, इसके अराउंड में डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए मैंने ऐसा केस समझ लीजिए कि ये कहा कि ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, तो नील बोर्स के अकॉर्डिंग चूंकि हमको पता है कि डुअल नेचर होता है इलेक्ट्रॉन और या कह दें पार्टिकल और वेव का, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए इस ऑर्बिट में ट्रेवल कर रहा है बाहर वाले, तो इस ऑर्बिट में जो ट्रेवल करता इलेक्ट्रॉन है, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होगी। हर ऑर्बिट में, हर डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एक वेव होगी, इस तरह से चल रही होगी, ठीक है ना, वेव होती है। इसी तरह मान लीजिए यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन है, इससे एसोसिएटेड अपनी एक वेव होगी। इस वाले इलेक्ट्रॉन मतलब अंदर ये सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के एसोसिएटेड एक वेव होगी, ठीक है ना। तो नील बोर्स ने ये कहा कि चूंकि इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एक वेव है और वो एक निश्चित ऑर्बिट में ही रोटेट करना चाहिए उसको, अगली ऑर्बिट में जाने के लिए उससे एसोसिएटेड वेव दूसरी कोई होगी, लेकिन चूंकि वो वेव जो है उसकी वेवलेंथ, किसी पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव होती है जिसको हम डी ब्रोगली वेव कह रहे थे, हमने पीछे पढ़ा है डी ब्रोगली वेव, उस पार्टिकल से एसोसिएटेड उस डी ब्रोगली वेव की वेवलेंथ हमेशा फिक्स रहती है। यानी इस ऑर्बिट में जो ट्रेवल करता हुआ पार्टिकल है उससे एसोसिएटेड जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी वो फिक्स होगी, इस वाले के लिए कुछ और होगी और वो भी फिक्स होगी, इस वाले के लिए कुछ और होगी वो भी फिक्स होगी, और इन तीनों में कुछ अंतर होगा आपस में। तो बोर ने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद वेव कैरेक्टर, हेंस अ सर्कुलर ऑर्बिट कैन बी टेकन टू बी अ स्टेशनरी एनर्जी स्टेट ओनली इफ इट कंटेन्स एन इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, आई एम राइटिंग इट दिस स्टेटमेंट। ए सर्कुलर, देखिए सर्कुलर ऑर्बिट में भी रहना जरूरी है लेकिन उसको स्टेशनरी स्टेट पे भी रहना जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा तो मिला नहीं था, है ना। तो अ सर्कुलर ऑर्बिट कैन बी टेकन टू बी स्टेशनरी, टू बी अ स्टेशनरी ऑर्बिट और स्टेशनरी एनर्जी स्टेट, इसको ऑर्बिट को एनर्जी ऑर्बिट और इसको स्टेशनरी स्टेट भी कह सकते हैं, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट कह दें, क्योंकि एनर्जी स्टेट ही है, स्टेट को ही एनर्जी स्टेट कहते हैं, स्टेट ओनली इफ इट कंटेन्स एन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एन इंटीग्रल नंबर, इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं ये तभी हमारी स्टेशनरी रहेंगी जब ये जो इनके जो सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है ना, ये जो होगी ये इंटीग्रल नंबर ऑफ मल्टीपल होंगी डी ब्रोगली वेवलेंथ का, यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ आधी या वन थर्ड इस तरह से नहीं चलेगा, ठीक है, एन लैम्डा टाइप, यानी वन लैम्डा, टू लैम्डा, थ्री लैम्डा, इस तरह से इनका सरकमफ्रेंस होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ दो ही बनाया है ना, और यहाँ ये जो बाहर वाला है ये तीन हो गया, है ना, सबसे बाहर वाला ये, तो टू पाई आर इज इक्वल्स टू एन
लैम्डा, ठीक है ना, ये उन्होंने कहा, तभी ये क्या होगी, एक स्टेशनरी एनर्जी स्टेट देगी। तो ये बोर ने स्टेटमेंट दिया कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए 2πr को स्टेशनरी एनर्जी स्टेट होने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आधी वेव नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए मैं पहली वाली के लिए बात करूं, दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, तीनों के लिए बना लेते हैं, ये पहली, दूसरी, तीसरी स्टेट के लिए, तो एक कंप्लीट वेवलेंथ होना चाहिए। एक कंप्लीट वेवलेंथ कब मिलेगी, जब n इक्वल्स टू 1 हो, तब लैम्डा मिलेगा। और 2 लैम्डा चाहिए ना, अब ऐसा नहीं कि लैम्डा बाई 3 चाहिए। दूसरी एनर्जी स्टेट पे जाते हैं तो वहां 2 वेवलेंथ मिलनी चाहिए, कम से कम 2 नंबर ऑफ वेव, फुल वेव मिलनी चाहिए, यानी एक यहां कंप्लीट हुई और एक और, ऐसा नहीं है कि 1/2 मिलने वाली है। पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव जो होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, n इक्वल्स टू 2 पे ये पॉसिबल है। तीसरे के लिए अगर हम बाहर जाते हैं तो एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, इस तरह से n इक्वल्स टू 3 के लिए हो जाएगी, यानी इंटीग्रल नंबर ऑफ वेवलेंथ होनी चाहिए। तो अब देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, हमने पढ़ा था, एच अपॉन एम वी, जहाँ वी पार्टिकल की वेलोसिटी है और एम मास ऑफ पार्टिकल है, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, वैल्यू रख देते हैं 2πr इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन एम वी। अब अगर इसको हम, ये एन है, ये एन है और ये एच है, ठीक है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं एम वी आर, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2π। एम वी आर ये हमने मैकेनिक्स में पढ़ा, ये क्या होता है, एल इक्वल्स टू, ये एंगुलर मोमेंटम है, क्या है, एम वी आर को क्या लिख सकते हैं, एल, एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2π। तो ये स्टेटमेंट बोर्स क्वांटाइजेशन कहलाती है, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2π, एल इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन 2π का, देखिए यहाँ से एच अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, n क्या है, इंटीजर्स है ना, जैसे यहाँ n लैम्डा था वैसे यहाँ n, तो बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम इस एच अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। फिर बोर्स ने अपने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए इस कंडीशन को देने के बाद, तो उसी को हम 1x1 समझते हैं क्या था, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, एटम में उन्होंने भी ये बात मानी कि एक मैसिव सेंट्रल कोर है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं और उसके रिवॉल्व में, मतलब अराउंड, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, पहली चीज। तो ये न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट उन्होंने भी माना, और उन्होंने भी ये बात कही कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो पहली बात तो दोनों की सेम थी, बोर्स की भी और रदरफोर्ड की भी। दूसरा, ये इनका अपना खुद का कंट्रीब्यूशन था, केवल वही पॉसिबल ऑर्बिट्स होंगी जिसके लिए, क्या कहने वाले हैं, जो एल होगा यानी एंगुलर मोमेंटम, ये इज इक्वल्स टू एम वी आर से भी नाम दे सकते हैं इसको, एच अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल। एच अपॉन 2π एक नंबर मिलेगा क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2π, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं और इसको इंटीग्रल मल्टीपल करते जाएं 1, 2, 3 ऐसे, तो n इक्वल्स टू क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व अराउंड दोज ऑर्बिट्स फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π इज एन इंटीग्रल मल्टीपल
अपॉन 2 पाई होना चाहिए, तभी ये उन्हीं उन मतलब ऑर्बिट्स में मूव करेगा जिसके लिए एंगुल, देखिए अगर किसी ऑर्बिट में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ठीक है, तो उस पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ मास होगा, तो उससे हम उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं कि वो किस रेडियस पे होगा, तो उसके पास कितना एंगुलर मोमेंटम होगा ठीक है। तो नंबर ऑफ मतलब जैसे मान लीजिए इस वाली ऑर्बिट के लिए पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है, इसके पास एम मास है, आर रेडियस है और वी वेलोसिटी से घूम रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एम वी आर इसका एंगुलर मोमेंटम है। मान लीजिए ये यहाँ चला आया तो इसकी ये रेडियस बदल गई, वेलोसिटी उतनी ही रही है ना, तो या फिर वेलोसिटी कुछ और जो चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग इस ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम कुछ और होगा है ना, इसी तरह और किसी ऑर्बिट के लिए कुछ और होगा, लेकिन ये कैसे होने चाहिए, ये हमेशा h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में हैं, तो केवल इलेक्ट्रॉन उन्हीं उन ऑर्बिट में जाएगा जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में जाएगा। थर्ड, स्टेशनरी ऑर्बिट की कंडीशन उन्होंने कही ठीक है। इलेक्ट्रॉन कभी भी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी जिसके कारण वो जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा हमने देखा था ना, वही कि इलेक्ट्रॉन कभी भी रिवॉल्व करते समय किसी ऑर्बिट में, अगर इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब वो कभी भी एनर्जी एमिट नहीं कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट, और वी कैन से डज नॉट एमिट एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग इन एनी ऑर्बिट, रिवॉल्विंग इन एनी ऑर्बिट, वो कब एनर्जी वो करेगा एमिट, जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। अगर बड़ी ऑर्बिट से छोटी ऑर्बिट में गया तो एनर्जी निकलेगी, छोटी ऑर्बिट से बड़ी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब उसको एनर्जी दी जाए ठीक है। तो वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी ओनली व्हेन दे जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तभी ये एमिट करते हैं या रेडिएट करते हैं एनर्जी ठीक है। अब इसके बाद एक कंडीशन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी एनर्जी निकलती है ठीक है। किस, देखें एनर्जी यानी स्पेक्ट्रम निकल रहा है, यानी उसकी अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो इन्होंने क्या अपने इसी जो थ्योरी को डेवलप किया उससे ये कहा कि अगर मान लीजिए ये दो, ये न्यूक्लियस है, दो ऑर्बिट्स की बात करी, इससे एसोसिएटेड, इस ऑर्बिट से एसोसिएटेड एनर्जी है E2, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में ट्रेवल करेगा या रिवॉल्व कर रहा होगा तो उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी, E2 ठीक है। अगर इस ऑर्बिट की एनर्जी है E1, यानी इस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है तो उसके पास एनर्जी कितनी होती है, E1, इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आता है तो वो, और यहाँ पे क्या होता है, E2 बड़ा होता है E1 से हमेशा ठीक है, तभी वो ज़्यादा रेडियस पे ट्रेवल करेगा। तो देखिए जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो ये वाली एनर्जी छोड़ के ये वाली अटेंड करेगा ना, यानी यहाँ से E2 में से इतनी एनर्जी निकलेगी कि उसके पास कितनी एनर्जी बचे, E1, तो एनर्जी लॉस कितना हुआ, E2 - E1, और ये एनर्जी ही किस फॉर्म में निकलती है, यही एनर्जी हमारी फोटॉन्स के फॉर्म में निकलती है ठीक है। कैसे, h nu, फोटॉन्स के फॉर्म में निकलती है, मतलब उस एनर्जी के फोटॉन निकलेंगे जिनकी वैल्यू E2 - E1 के बराबर होगी ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दे
या फिर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ये एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी फोटॉन्स, डिस्क्रीट एनर्जी फोटॉन्स मतलब उतनी ही फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकलेगा जो इस E2-E1 के बराबर की एनर्जी लिए होंगे, यानी निकलेंगे मान लो हम कहते हैं 10,000 फोटॉन्स निकले, लेकिन हर फोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी, टोटल ओवरऑल में hν एनर्जी ही होगी, ठीक है। या और हायर से लोअर में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स, ये फोटॉन्स एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा, लोअर से हायर में जा रहे हैं इसका मतलब उसको बाहर से कहीं एनर्जी मिली है, वो एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक है। तो इसको बोर की फेमस फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहा जाता है, बोर की फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है। ये कुछ बेसिक चीज़ें जैसे बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन MVR = NH/2π वो, और एक ये एक हो गई हमारी रिलेशन MVR = NH/2π फॉर अलाउड एनर्जी लेवल्स, इसको भी याद रखिए और इसको भी याद रखिए। ऑलराइट, सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी बोर्स एटॉमिक बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। थैंक यू।